भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। परिचय, इंट्रोडक्शन। किसी एक निश्चित क्षेत्र की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं को उस क्षेत्र की जलवायु कहा जाता है। भारत में इसके अपने विशाल उपमहाद्वीपीय स्वरूप एवं विशाल अक्षांशीय विस्तार के कारण विविध जलवायु दशाएं दिखाई देती हैं। इस विशाल देश का एक भाग कर्क रेखा के उत्तर में और दूसरा उसके दक्षिण में स्थित है। उत्तर पश्चिमी भागों में थार का विशाल मरुस्थल है, जहां वर्ष भर में 25 सेमी से भी कम वर्षा होती है, जबकि उत्तरी और पूर्वी भाग में खासी की पहाड़ियों में चेरापूंजी नामक स्थान पर 1087 सेमी वर्षा का औसत रहता है। कश्मीर में द्रास नामक स्थान पर न्यूनतम तापमान -9 डिग्री सेल्सियस तक और लेह में यह -45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, जबकि राजस्थान में श्रीगंगानगर का उच्चतम तापमान अनेक बार 50.2 डिग्री सेल्सियस से अधिक अंकित किया जा चुका है। कोची एवं तिरुवनंतपुरम का मध्यम औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ता है और न ही न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से नीचे उतरता है, जबकि पंजाब व पश्चिमी राजस्थान के आंतरिक भागों में वार्षिक तापांतर इससे 6 से 8 गुना रहता है। भारत में जलवायु की दशा में देश के विभिन्न भागों में बहुरूपीय अंतर पाया जाता है। भारत की ऋतुएं। भारतीय मौसम विभाग ने भारत की वार्षिक जलवायु की अवस्थाओं के आधार पर वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटा है। 1. उत्तर पूर्वी मानसून का समय, शीत ऋतु, विंटर सीजन। ख ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन। 2. दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय, ग वर्षा ऋतु, रेनी सीजन। शरद ऋतु, ऑटम सीजन। शीत ऋतु, ये ऋतु नवंबर के मध्य से शुरू होकर मार्च में समाप्त हो जाती है। इस ऋतु का सबसे ठंडा महीना जनवरी होता है। इस ऋतु में उत्तरी भारत में तापमान विशेष रूप से नीचा रहता है। उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है और कई क्षेत्रों में रात्रि का तापमान हिमांक से भी नीचे गिर जाता है। जनवरी तथा फरवरी के महीने साल के सभी महीनों से ठंडे होते हैं। तटीय भागों में तापमान के ऋतुगत परिवर्तन का कोई विशेष महत्व नहीं है। इस ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब पाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में अपेक्षाकृत कम वायुदाब पाया जाता है। इसके परिणामस्वरूप उत्तर पश्चिमी उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी न्यून वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर वायु चलने लगती है। वायुदाब प्रवणता कम होने के कारण ये पवनें मंद गति से चलती है। इस ऋतु में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में पश्चिमी विक्षोभों के आगमन के कारण वायुदाब तथा पवनों की दिशा में परिवर्तन आ जाता है। ये विक्षोभ पश्चिमी एशिया तथा भूमध्य सागर के निकटवर्ती प्रदेश में उत्पन्न होते हैं और ईरान तथा पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में प्रवेश करते हैं। इन विक्षोभों को भारत लाने में जेट प्रवाह का बहुत बड़ा योगदान है। ये दिसंबर से मार्च तक सक्रिय होते हैं। सामान्यतः एक माह में 4 से 6 चक्रवात आते हैं। शीतकालीन पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण वर्षा नहीं करती। ये पवनें पश्चिम बंगाल को पार करने के पश्चात बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त करती है और पश्चिमी घाट से टकराकर तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक तथा दक्षिण पूर्वी केरल में वर्षा करती है। उत्तर पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभों द्वारा हल्की वर्षा होती है।
वर्षा की यह मात्रा उत्तर एवं उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। भारत के उत्तर पूर्वी भागों में भी शीत ऋतु में थोड़ी बहुत वर्षा होती है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स, रिलीफ फीचर्स। एक, अक्षांश अक्षांशीय स्थिति के साथ तापमान में परिवर्तन होता रहता है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है जिसके कारण क्षेत्र का तापमान सापेक्षतया अधिक रहता है। ई, समुद्र से निकटता सामान्यतः जो प्रदेश अथवा क्षेत्र समुद्र के समीप होते हैं वहां की जलवायु प्रायः एक समान होती है, जबकि समुद्र से दूर के भागों में मौसमी बदलाव जल्दी होते हैं। ई, मानसूनी पवने ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हैं व शीत काल में इनके बहने की दिशा उत्तर पूर्व हो जाती है। ये मानसूनी पवने वर्षा की मात्रा, आर्द्रता व तापमान को प्रभावित करती है। एव, उच्चावच हिमालय, पश्चिमी घाट एवं पूर्वांचल की पहाड़ियां की ऊंचाई तापमान तथा वर्षा की मात्रा को प्रभावित करती हैं। एक, मिट्टी की प्रकृति। विभिन्न प्रकार की मिट्टियां तापमान को भिन्न भिन्न दरों से अवशोषित करती हैं। राजस्थान की रेतीली मिट्टी को बजाय निम्न गंगा बेसिन क्षेत्र की कांप मिट्टी तापमान को अधिक तीव्रता से अवशोषित कर सकती है। भारत की जलवायु पर दो बाहरी कारकों का विशेष प्रभाव पड़ता है। वन, उत्तर को और हिमालय की ऊंची हिमाच्छादित श्रेणियां इसको मध्य एशिया की ओर से आने वाली शीतल वायु से बचाकर संशोधित महाद्वीपीय जलवायु का रूप देती है, एवं ई, दक्षिण की ओर हिंद महासागर की निकटता इसको उष्ण मानसूनी जलवायु स्वरूप प्रदान करती है जिसमें उष्ण कटिबंधीय जलवायु की आदर्श दिशाएं होती है। उत्तर भारत में शीत ऋतु की जलवायु पर हिमालय की अवस्थिति का प्रभाव। हिमालय पर्वतमाला सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक 2400 किलोमीटर तक पूर्व पश्चिम लंबाई में चापाकार में फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर और औसत ऊंचाई 2000 मीटर है, किंतु ये पूर्वी भाग में 1500 मीटर और मध्यवर्ती भाग में 8000 मीटर ऊंचा है। इसका कुल विस्तार 500,000 वर्ग किमी क्षेत्र में है। यह एक नवीन पर्वतमाला है जो उस विशाल पर्वत श्रेणी का भाग है जो मध्य एशिया से मध्य यूरोप तक फैली हुई है। हिमालय निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भू आकृतिक रचना है। वस्तुतः भारत को उष्णकटिबंधीय मानसूनी चरित्र प्रदान करने में हिमालय का बहुत बड़ा योगदान है। इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है जाड़े के मौसम में मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पवनों को रोकने में। यदि हिमालय नहीं होता तो मध्य एशिया की ठंडी पवनें आसानी से भारत में प्रविष्ट कर जाती और यहाँ की शीत ऋतु में मौसम को और भी अधिक ठंडा बना देती। ठंडी में इस वृद्धि का असर न सिर्फ यहाँ के लोगों पर होता बल्कि पशु पक्षी और वनस्पति पर भी पड़ता। इस प्रकार लोगों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। ग्रीष्म ऋतु। ये ऋतु मार्च से जून तक होती है। उच्च तापमान तथा कम आर्द्रता इस ऋतु की प्रमुख विशेषताएं हैं, अतः इसे उष्ण शुष्क ग्रीष्म ऋतु भी कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। कर्क रेखा भारत के ठीक बीचों बीच से गुजरती है और भारत को लगभग दो बराबर जलवायविक भागों में बांटती है। इस प्रकार मार्च के माह से तापमान बढ़ना आरंभ हो जाता है और मई माह में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है।
मई जून में कई स्थानों पर तो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में लगभग संपूर्ण देश में तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब कम होता है। उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान बहुत अधिक हो जाता है, जिस कारण वहां पर वायुदाब अत्यंत कम हो जाता है। मार्च से मई तक वायु की दिशा एवं मार्ग में विशेष रूप से परिवर्तन होते हैं। इस समय शीतकालीन मानसून पवनों की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। उत्तर पश्चिमी भारत में अधिक तापमान के कारण स्थानीय रूप से बहुत ही शुष्क एवं उष्ण हवाएं चलती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में लू कहते हैं। जब कभी इन शुष्क एवं उष्ण हवाओं के साथ आर्द्र हवाएं मिलती हैं, तो भीषण आंधियां और तूफान आते हैं। इनका वेग कभी कभी 100 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाता है। इनसे कभी कभी वर्षा भी हो जाती है और तापमान में कमी आती है। बंगाल में इन्हें काल वैशाखी कहते हैं। उत्तरी भारत में ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है, परंतु पुनर्तः वर्षा रहित नहीं होती है। स्थानीय रूप से आने वाली धूल भरी आंधियां तथा गरज वाले तूफान कहीं कहीं छुटपुट वर्षा करते हैं। राजस्थान, गुजरात व मध्य प्रदेश में 2.5 सेमी से कम वर्षा होती है। उत्तर पश्चिमी भारत के उपहिमालयी क्षेत्रों उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा से लेकर प्रायद्वीप के विस्तृत भागों में 14 से 50 सेमी तक वर्षा होती है। छोटा नागपुर पठार में पैदा होने वाली नॉर्वेस्टर हवाएं पछुआ पवनों के प्रभाव में पूर्व की ओर चली जाती है और असम में लगभग 50 सेमी वर्षा करती हैं। इसके अतिरिक्त ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल में भी नॉर्वेस्टर से वर्षा होती है। असम में मई में होने वाली वर्षा जून में होने वाली वर्षा का लगभग 2/3 भाग होती है। ये चाय, पटसन तथा चावल की कृषि के लिए बहुत उपयोगी होती है। असम में इसे चाय वर्षा कहते हैं। गरजते हुए तूफानों से केरल तथा कर्नाटक के तटवर्ती भागों में 25 सेमी तक वर्षा हो जाती है। दक्षिण भारत के भीतरी भागों में लगभग 10 सेमी वर्षा हो जाती है। यह आम की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है, जिसके कारण इसे आम वर्षा कहते हैं। कर्नाटक तथा अन्य निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में यह वर्षा कहवा की फसल को बहुत लाभ पहुंचाती है, अतः इसे फूलों वाली बौछार कहा जाता है। वर्षा ऋतु दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ मध्य जून में आरंभ होती है और मध्य सितंबर तक समाप्त होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ समस्त भारत का मौसम पुनर्तः परिवर्तित हो जाता है। इसे गर्माय ऋतु भी कहते हैं। अधिक आर्द्रता तथा अधिक तापमान इस ऋतु की प्रमुख विशेषताएं हैं। मानसून की वर्षा होने के साथ ही तापमान में कमी आने लगती है। वर्षा ऋतु दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ मध्य जून में आरंभ होती है और मध्य सितंबर तक समाप्त होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ समस्त भारत का मौसम पुनर्तः परिवर्तित हो जाता है। इसे गर्माय ऋतु भी कहते हैं। अधिक आर्द्रता तथा अधिक तापमान इस ऋतु की प्रमुख विशेषताएं हैं। मानसून की वर्षा होने के साथ ही तापमान में कमी आने लगती है। दक्षिण भारत में जून का तापमान मई के तापमान की अपेक्षा 3 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस कम होता है। उत्तर पश्चिमी भारत में जुलाई माह में 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी हो जाती है। अगस्त में तापमान और भी नीचे गिर जाता है। इन दिनों यदि लंबी अवधि तक वर्षा न हो तो तापमान में वृद्धि हो जाती है। वर्षा की समाप्ति पर तापमान में पुनः वृद्धि होने लगती है।
इस ऋतु में थार मरुस्थल का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तथा उत्तरी मैदान के अन्य भागों में 30 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। इस ऋतु में उत्तरी भारत में तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब कम होता है। जुलाई माह के वायुदाब के वितरण मानचित्र को देखने से पता चलता है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में कम वायुदाब है और 997 मिलीबा की समदाब रेखा राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा के साथ है। ऐसा राजस्थान की मरुभूमि में तापमान की अधिकता के कारण होता है। 998 मिलीबा की समदाब रेखा पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान में से गुजरती है। इसके विपरीत दक्षिणी भारत में तापमान कम होने के कारण वायुदाब अधिक है। 1009 मिलीबा की समदाब रेखा अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के अतिरिक्त केरल तथा तमिलनाडु में से होकर गुजरती है। वायुदाब की इस व्यवस्था के अधीन पवनों की दिशा अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भाग में भी पवनों की यही दिशा होती है, परंतु उत्तरी मैदान में पवनें मुख्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। भारत में 75% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों द्वारा होती है। वर्षा अकस्मात ही शुरू होती है। मानसून के इस अकस्मात आरंभ को मानसून विस्फोट कहते हैं। भारत के तटीय भागों में मानसून का प्रस्फोट जून के प्रथम सप्ताह या इसके भी पहले हो सकता है, जबकि देश के आंतरिक भागों में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें जुलाई तक ही आ पाती है। शरद ऋतु। ये ऋतु मध्य सितंबर में शुरू होकर मध्य नवंबर में समाप्त हो जाती है। मध्य सितंबर में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें उत्तर पश्चिमी भारत से लौटना शुरू कर देती हैं। इसलिए इसे मानसून प्रत्यावर्तन अर्थात मानसून के लौटने की ऋतु भी कहते हैं। देश के सुदूर दक्षिणी भागों में मानसून के लौटने का क्रम दिसंबर तक जारी रहता है। ग्रीष्मकालीन मानसून प्रस्फोट के विपरीत शरद ऋतु में मानसून का प्रत्यावर्तन क्रमिक होता है। जिस प्रकार दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आने का समय भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न है, उसी प्रकार उसकी वापसी का समय भी विभिन्न स्थानों पर विभिन्न है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मानसूनी पवनें सबसे बाद में पहुंचती है और सबसे पहले वापस लौट जाती हैं। इस प्रकार इन क्षेत्रों में मानसून की अवधि बहुत ही कम है। इसके विपरीत तटवर्ती क्षेत्रों में मानसून की पवनें जल्दी पहुंचती हैं और देर से वापस लौटती हैं। पंजाब में मानसूनी पवनें जुलाई के पहले सप्ताह में पहुंचती है और सितंबर के मध्य में लौट आती है। इस प्रकार पंजाब में मानसून की अवधि केवल 2.5 महीने है। इसके विपरीत कोरोमंडल तट पर ये पवनें जून के पहले सप्ताह में पहुँचती हैं और दिसंबर के मध्य में लौटती हैं। इस प्रकार कोरोमंडल तट पर मानसून की अवधि लगभग 6.5 महीने है। उत्तरी भारत में मानसून के लौटने के साथ तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है, परंतु कुछ ही दिनों में तापमान तेजी से गिरने लगता है। अक्टूबर में औसत तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहता है। नवंबर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, परंतु औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। उच्च पर्वतीय प्रदेशों में कभी कभी रात्रि के समय तापमान हिमांक तक गिर जाता है। दैनिक तापांतर अधिक हो जाता है। दक्षिण भारत में अब भी प्रायः उच्च तापमान बना रहता है। मानसून के लौटने के साथ ही उत्तर पश्चिमी भारत का निम्न वायुदाब क्षेत्र समाप्त होने लगता है और बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में परिवर्तित होने लगती है। चक्रवातों का स्थान प्रतिचक्रवात ले लेते हैं। मानसून के लौटते ही वायु में आर्द्रता कम हो जाती है और वर्षा समाप्त हो जाती है। सितंबर के अंत तक जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा,
उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में वर्षा समाप्त हो जाती है। 15 अक्टूबर तक उत्तर पूर्वी भारत में भी वर्षा समाप्त हो जाती है। लौटती हुई मानसूनी पवनें जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं, तो वे आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं और ओडिशा, आंध्र प्रदेश के तटीय भागों तथा तमिलनाडु के विस्तृत भागों में वर्षा कराती है। केरल में भी कुछ वर्षा हो जाती है। उत्तरी भागों में कुछ वर्षा भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवातों द्वारा हो जाती है। बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में पैदा होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात तटीय भागों में भारी वर्षा कराते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें। दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा जा सकता है, अरब सागर की मानसून पवनें तथा बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें। अरब सागर की मानसूनी पवनें अरब सागर की मानसून की उत्पत्ति अरब सागर में होती है। जब ये भारत के तट पर पहुंचती है तो तीन शाखाओं में विभाजित हो जाती है। पहली शाखा पश्चिमी घाट से टकराकर पश्चिमी तटीय मैदान में 250 सेमी से भी अधिक वर्षा कराती है। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद जब यह नीचे उतरती है, तब इसका तापमान बढ़ जाता है और इसकी आर्द्रता में कमी आ जाती है। इससे दक्षिणी पठार के वृष्टि छाया क्षेत्र में बहुत ही कम वर्षा होती है। यही कारण है कि इस ऋतु में मंगलौर में वर्षा 280 सेमी होती है, जबकि बंगलुरु में केवल 50 सेमी ही होती है। इसकी दूसरी शाखा नर्मदा तथा ताप्ती की घाटियों से होकर भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र में प्रवेश करती है। तट के निकट कोई रुकावट न होने के कारण ये दूर तक चली जाती है और वर्षा कराती है। नागपुर में इन पवनों के द्वारा 60 सेमी वर्षा होती है। इसकी तीसरी शाखा उत्तर पूर्वी दिशा में अरावली पर्वत के समानांतर जाती है। रास्ते में कोई रुकावट न आने के कारण ये पूरे राजस्थान में वर्षा नहीं करती। आगे चलकर यह हिमालय की पहाड़ियों से टकराकर पर्याप्त वर्षा कराती है। बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें दो शाखाओं में विभाजित होती है। इसकी पहली शाखा गंगा के डेल्टा प्रदेश को पार करके मेघालय की गारो, खासी तथा जयंतिया की पहाड़ियों से टकराती है। इन पहाड़ियों की आकृति कीप जैसी है, जिससे वायु को एकदम ऊंचा उठना पड़ता है और इससे भारी वर्षा होती है। यहाँ पर चेरापूंजी के 16 किलोमीटर पश्चिम में स्थित मासिनराम स्थान पर 1221 सेमी वार्षिक वर्षा होती है, जो विश्व में अधिकतम है। इसकी दूसरी शाखा सीधे हिमालय पर्वत से टकराती है। ये हिमालय पर्वतों की ऊंची श्रेणियों को पार करने में असमर्थ होती है और पश्चिम की ओर हिमालय पर्वत के समानांतर चलना शुरू कर देती है। ज्यों ज्यों ये पश्चिम की ओर बढ़ती है, त्यों त्यों इसकी वर्षा कराने की शक्ति कम होती जाती है। दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों द्वारा होने वाली वर्षा अनिश्चित तथा अनियमित है। ऐसा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के अंतर्वाह के कारण होता है। इन चक्रवातों के आने से मानसूनी पवनों का क्रम भंग हो जाता है। मानसून वर्षा की मात्रा के साथ साथ इसकी तीव्रता भी इन चक्रवातों की आवृत्ति से निर्धारित होती है। सितंबर के प्रथम सप्ताह में वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है। भारत का पूर्वी तट, विशेषतः तमिलनाडु तट, दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा वर्षा प्राप्त नहीं करता और शुष्क रह जाता है। इसका कारण यह है कि तमिलनाडु का तट बंगाल की खाड़ी की मानसून के समानांतर है और अरब सागर की धारा के वृष्टि छाया के क्षेत्र में स्थित है। मानसून की उत्पत्ति। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुई है। मानसून शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरब सागर में चलने वाली पवनों के लिए किया गया,
जो ग्रीष्मकाल में दक्षिण पश्चिम तथा शीतकाल में उत्तर पूर्व की ओर से चलती है। तत्पश्चात ग्लोब पर मौसमी क्रम से चलने वाली सभी पवनों को मानसून कहा गया। भारतीय मानसून की उत्पत्ति की प्रक्रिया अत्यंत ही जटिल है। मानसून की उत्पत्ति और उसकी क्रियाविधि को समझने में निम्नलिखित संकल्पनाएं महत्वपूर्ण हैं। तापीय संकल्पना। इस सिद्धांत के विकास में ब्रिटिश भूगोलवेत्ता बेकर एवं स्टैम्प ने योगदान दिया। ये सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि सूर्य जब उत्तरायण होता है तब भारतीय उपमहाद्वीप तेजी से गर्म हो जाता है और निम्न भार दाब का निर्माण होता है जिसका केंद्र उत्तर पश्चिम की ओर होता है। इस संकल्पना के अनुसार मानसूनी पवनों को जलीय और स्थलीय समीर का ही बृहत रूप माना जाता है जो जल एवं स्थल के विषम वितरण के कारण उत्पन्न होती हैं। ग्रीष्म काल में अत्यधिक सूर्यातप के कारण स्थल भाग न्यून वायुदाब के केंद्र बन जाते हैं, तब सागरों की ओर से स्थल की ओर पवने चलती हैं, जिन्हें ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। इसके विपरीत शीतकाल में स्थल भाग सागरों की अपेक्षा अधिक ठंडे होने से उच्च वायुदाब के केंद्र होते हैं तथा पवने स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, जो शीतकालीन मानसून कहलाती है। गतिक संकल्पना। इस गतिक संकल्पना के प्रवर्तक फ्लोम के अनुसार मानसूनी पवनों की उत्पत्ति वायुदाब एवं पवन पेटियों के स्थानांतरण के कारण होती है। विषुवत रेखा के निकट व्यापारिक हवाओं के मिलने से अभिसरण उत्पन्न होता है जिसे अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण ईक कहते हैं। इसकी उत्तरी सीमा अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण सीमा तथा दक्षिणी सीमा अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण सीमा कहलाती है। सूर्य के उत्तरायण होने पर उत्तरी अभिसरण सीमा 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत हो जाती है। दक्षिण पूर्वी एशिया में विषुवत रेखीय शांत पवने चलने लगती है, यही दक्षिणी पश्चिमी ग्रीष्मकालीन मानसून होता है। इसके साथ ही चक्रवात तूफान आदि भी सक्रिय हो जाते हैं। इसके विपरीत शीतकाल में पवन पेटियां दक्षिण की ओर खिसकती हैं। सूर्य के दक्षिणायन होने पर दक्षिण पूर्वी एशिया से उत्तरी अभिसरण सीमा हट जाती है तथा वहां उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने विस्तृत हो जाती है, यही शीतकालीन मानसून है। जैत धारा सिद्धांत। मानसून की उत्पत्ति के परंपरागत सिद्धांत प्रादेशिक कारकों के महत्व पर आधारित हैं। इन सिद्धांतों के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में सूर्यातप के प्रभाव से स्थल भाग तापजन्य निम्न वायुदाब क्षेत्र को जन्म दे देता है। यह न्यून वायुदाब का क्षेत्र महासागरीय क्षेत्र से आर्द्र हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है क्योंकि इस समय महासागर पर उच्च वायुदाब रहता है। स्पष्ट है कि ग्रीष्म ऋतु में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती हैं। शीत ऋतु में हवाओं का यही क्रम उल्टा हो जाता है। स्थल भाग पर उच्च वायुदाब एवं महासागरों पर निम्न वायुदाब होने से हवाएं स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। इन सिद्धांतों के द्वारा मानसून की उत्पत्ति और उसके विस्तार क्षेत्र की साक्ष्य युक्त व्याख्या नहीं होती है। उदाहरण के लिए तापजन्य निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्तरी भारत में स्थित होता है, लेकिन मानसूनी पवनों का विस्तार सुदूर उत्तर में मंगोलिया तक हो जाता है। इस प्रकार के तापजन्य निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में भी निर्मित होता है, लेकिन वहां इसके प्रभाव की परिणति मानसून के रूप में नहीं होती है। स्पष्ट है कि मानसून पवनों की दिशा में ऋतुओं के अनुसार व्युत्क्रमण होता है, लेकिन यह व्युत्क्रमण वायुमंडलीय सामान्य संचार प्रणाली की ऋतुओं के अनुसार उत्तर तथा दक्षिण की ओर स्थानांतरण के साथ साथ तापीय और भू आकृतिक कारकों से भी प्रभावित होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के विकास में हिमालयी और तिब्बती उच्च भूमियों की भूमिका। शीत ऋतु में प्रायद्वीपीय भारत सहित संपूर्ण एशिया महाद्वीप में ऊपरी वायुमंडल में पछुआ हवाएं प्रवाहित होती हैं।
इस समय उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम की अवस्थिति हिमालय पर्वतमाला से प्रभावित होती है। फलतः एक शक्तिशाली जेट स्ट्रीम की अवस्थिति हिमालय गिरिपाद के दक्षिण में तथा दूसरी जेट स्ट्रीम की अवस्थिति तिब्बत पठार के उत्तर में होती है। ये दोनों वो जेट स्ट्रीम हिमालय के पूर्व में चीन में आपस में मिल जाती हैं। हिमालय के गिरिपाद के दक्षिण में जेट स्ट्रीम की अवस्थिति वहां विद्यमान ताप प्रवणता से संबंधित है। शीत ऋतु में उत्तरी भारत में आने वाले अवदाब इसी जेट स्ट्रीम की उपस्थिति से आते हैं। इस समय दक्षिण पूर्वी एशिया में वायु उत्तर दिशा से चलती है। ये ऊपरी वायुमंडल में प्रवाहित होने वाली पछुआ हवाओं के नीचे वायु के अवतलन से विकसित होती हैं। ग्रीष्मकाल में सूर्यातप की मात्रा बढ़ने के कारण तापजन्य निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्तरी भारत में विकसित हो जाता है, लेकिन इससे ऊपर पलुआ हवाओं का प्रवाह प्रभावित नहीं होता है। मई माह में सबसे निम्नतम वायुदाब वाला क्षेत्र विकसित होने के उपरांत भी कई सप्ताह तक मानसून का प्रवाह टूटता नहीं है। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि स्थानीय स्थलाकृतिक कारकों की अपेक्षा मानसूनी प्रवाह पर ग्रहीय संचार प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कारकों का प्रभाव अधिक पड़ता है। आधुनिक साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ग्रीष्मकालीन मानसून तभी सक्रिय होता है जब जेट स्ट्रीम अपनी शीतकालीन अवस्थिति से हट जाती है। जेट स्ट्रीम के हट जाने से ऊपरी वायुमंडल की संचार प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है। फलतः ग्रीष्म ऋतु में ऊपरी वायुमंडल में विषुवतरेखीय की पूर्वी हवाएं चलने लगती हैं, जो धरातल पर चलने वाली दक्षिण पश्चिमी हवाओं से मिलकर मानसूनी वर्षा कराती हैं। ग्रीष्म ऋतु में तापीय भूमध्य रेखा और अंतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का उत्तर की ओर स्थानांतरण हो जाता है। फलतः हिंद महासागर से गर्म एवं आर्द्रता युक्त पवनों का प्रवाह उत्तर भारत की ओर होने लगता है। प्रारंभ में ये हवाएं उत्तर पूर्व हो जाती है। ये हवाएं ऊपर उठकर ठंडी होकर संवहन धाराओं को जन्म देती हैं, जो पूर्वी व्यापारिक पवनों से मिलकर वर्षा कराती हैं। उपर्युक्त प्रकार की दशा लगभग 3-4 माह तक बनी रहती है। सितंबर के अंत और अक्टूबर के प्रारंभ में जब अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कमजोर होकर पुनः भूमध्य रेखा की ओर खिसकने लगता है, तब दक्षिण पश्चिम हवाओं के स्थान पर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने चलना प्रारंभ हो जाती है। ऊपरी वायुमंडल में भी हिमालयन जेट स्ट्रीम मध्य अक्टूबर तक अस्तित्व में आ जाती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि भारतीय मानसून के समय पर आगमन तथा उसके विस्तार क्षेत्र को प्रभावित करने में दक्षिणी गोलार्ध की वायुमंडलीय संचार प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानसून प्रस्फोट। जून के प्रारंभ में अत्यधिक निम्न वायुदाब एवं उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट के विशिष्ट प्रभाव से दक्षिणी पश्चिमी मानसून बड़ी तेजी से हिंद महासागर की ओर से देश की ओर बढ़ते हैं। इस समय अचानक ही तीव्र मेघ गर्जन होता है तथा बिजली चमकती है। इसके साथ ही तेज वर्षा आरंभ हो जाती है। इसी स्थिति को मानसून का फटना कहते हैं। अतः मानसून की पहली वर्षा प्रायः भारी एवं व्यापक होती है। जब मानसून फटते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में वायुमंडल के संचालन में बड़ा परिवर्तन होता है। निम्न अक्षांशीय ऊपरी वायु के अगाध की स्थिति में गत्यात्मक परिवर्तन होने के साथ साथ जेट स्ट्रीम के उपर्युक्त प्रकार के परिवर्तन एवं संचरण से मानसून तेजी से फटते हैं। ये निम्न अक्षांशीय निम्न दाब केंद्र 90 डिग्री पूर्वी देशांतर की अपेक्षा 80 डिग्री पूर्वी देशांतर की ओर खिसक जाने से भी मानसून शीघ्र फट पड़ते हैं। इस अगाध निम्न दाब केंद्र का स्थानांतरण पश्चिम की ओर होने का मुख्य कारण शीतकाल में जो उपोष्ण पश्चिमी जेट हिमालय को घेरे रहता है उसका ग्रीष्मकाल में उत्तर की ओर खिसक जाना है। इसके खिसकने से हो मानसून फूट पड़ते हैं। जून के आरंभ होने से पूर्व उत्तर की ओर पश्चिमी जेट का प्रभाव रहता है।
जो ही पश्चिमी जेट की दक्षिणी शाखा उत्तर की ओर बढ़ती है, त्यों ही इस अगाध का हस्तांतरण तिब्बत की ओर होने लगता है। साथ ही यहाँ पर उष्ण पूर्वी जेट का प्रभाव क्षेत्र तेजी से बढ़ जाता है, फलतः दक्षिण पश्चिम मानसून फट पड़ता है एवं सारे देश में तेजी से इसका विस्तार होता जाता है। मई जून में अत्यधिक गर्मी के कारण भारत एवं मध्य एशिया में जो निम्न वायुदाब के केंद्र बन जाते हैं, उनके फलस्वरूप दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने दक्षिणी प्रायद्वीप की स्थिति के कारण दो शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं। इनमें से एक बंगाल की खाड़ी से और दूसरी अरब सागर की शाखा के नाम से देश में प्रवेश करती है। बंगाल की खाड़ी का मानसून कोलकाता में 7 जून के लगभग वर्षा करता है, जबकि अरब सागर का मानसून केरल में लगभग 1 से 5 जून तक पहुंचता है। देश में इन्हीं पवनों से बड़ी तेजी से गर्जन तर्जन के साथ वर्षा होती है। चूंकि ये पवने हिंद महासागर के गर्म जल के ऊपर से प्रवाहित होती हुई हजारों किमी दूर से आती है, अतः इनमें वाष्य की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसी कारण जहां जहां ये पवने पहुंचती हैं, वहां वहां अधिक वर्षा करती है। दक्षिणी केरल प्रदेश में मानसून से 5 जून के मध्य लगभग आरंभ हो जाता है और धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ता है। मुंबई में ये 10 जून तक तथा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब तथा राजस्थान में जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह तक पहुंच जाता है। बंगाल की खाड़ी का मानसून मध्य बंगाल की खाड़ी से आरंभ होकर असम में जून के प्रथम सप्ताह तक पहुंचता है। कोलकाता में ये लगभग 7 जून तक पहुंच जाता है। इन तिथियों में 5 से 8 दिन का अंतर विशेषकर मध्य व उत्तरी पश्चिमी भारत में सामान्य घटना मानी जाती है। मानसून की अवधि 2 से 4 महीने तक रहता है। लौटते समय यह और भी धीरे धीरे लौटता है। सामान्यतः उत्तरी पश्चिमी भारत से यह अक्टूबर के आरंभ में और देश के शेष भागों में नवंबर के अंत तक लौटता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के आरंभ होने से ठीक पहले 20 अप्रैल से मई के अंत तक उष्णकटिबंधीय चक्रवात आने लगते हैं। ये विशेषकर बंगाल की खाड़ी से उठते हैं और देश के भीतर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब दक्षिण पश्चिमी मानसून अच्छी तरह चलने लगता है तो ये चक्रवात नहीं उठते और अक्टूबर तक इनके उठने की संभावना नहीं रहती। प्रायः सभी चक्रवात देश में गंगा, महानदी, गोदावरी तथा कावेरी नदियों के डेल्टाओं से प्रवेश करते हैं। इनके द्वारा एक दिन में 65 सेमी तक भारी वर्षा एवं तेज आंधियां चलती हैं। ये तेज वर्षा भारी हानि व उत्पाती बाढ़ों का कारण बनती है। अरब सागर की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात अधिक बड़े होते हैं। ये सबसे अधिक बंगाल की खाड़ी में मई जून तथा अक्टूबर नवंबर से चलते हैं। मानसून का प्रारंभिक काल इन तूफानों के लिए उपयुक्त समय होता है। मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु सितंबर के समाप्त होते होते सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर जाता है। इसके परिणामस्वरूप जो निम्न वायुदाब क्षेत्र उत्तर पश्चिम भारत में बना हुआ था वह समाप्त होने लगता है। अक्टूबर में यह निम्न वायुदाब क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ता जाता है, अतः मानसून लौटना प्रारंभ हो जाता है, पर मानसून उतनी तेजी से नहीं लौटता जितनी तेजी से वह आता है। वर्षा की गति धीमी पड़ती जाती है और सितंबर के अंत तक उत्तरी मैदानों में बंद हो जाती है। अब इन भागों में चक्रवातीय परिस्थितियों के स्थान पर प्रति चक्रवातीय परिस्थितियां बन जाती हैं। तापांतर बढ़ने लगता है। सबसे पहले अरब सागर की शाखा पंजाब तथा राजस्थान के भागों से और बंगाल की खाड़ी की शाखा गंगा के उत्तरी डेल्टा से धीरे धीरे पीछे हटना प्रारंभ हो जाती है। ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है निम्न वायुदाब का क्षेत्र भी क्षीण होने के साथ साथ दक्षिण की ओर खिसकता रहता है। पंजाब से लगभग 15 सितंबर को, उत्तर प्रदेश से
अक्टूबर को और पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र से 15 अक्टूबर को मानसून लौटने लगते हैं। ये आंध्र प्रदेश से नवंबर, तमिलनाडु से 15 नवंबर और केरल से दिसंबर को लौटते हैं। इसी समय पवन की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्वी हो जाती है। इन्हीं लौटती हुई मानसून पवनों द्वारा तमिलनाडु के कुछ आंतरिक भागों और पूर्वी तट पर तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक वर्षा हो जाती है। इस प्रकार लौटता हुआ मानसून दिसंबर के प्रारंभ तक दक्षिणी पूर्वी भारत में अनेक प्रभाव डालता है, क्योंकि तमिलनाडु में शीतकाल के प्रारंभ में जो वर्षा होती है वह इन्हीं कारणों से होती है। इसके बाद दिसंबर में निम्न वायुदाब क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य के साथ साथ चला जाता है और उत्तरी भारत में भी पश्चिम से पंजाब, हरियाणा एवं ऊपरी गंगा के मैदानों में चक्रवात आने प्रारंभ हो जाते हैं। ज्यों ज्यों उत्तरी भारत से मानसून लौटने लगते हैं, त्यों त्यों उत्तरी पश्चिमी भागों में तापमान एकदम गिरते जाते हैं। अधिकतम औसत तापमान उतने नहीं गिरते जितने की न्यूनतम, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर में अधिकतम औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहते हैं, जबकि न्यूनतम तापमान इसी समय 10 डिग्री सेल्सियस या इससे भी कम हो जाते हैं। उत्तरी भागों में किसी किसी रात्रि को तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में वर्षा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एवं जम्मू कश्मीर के भागों में प्रायः समाप्त हो जाती है। इस समय उत्तर पूर्वी भारत में वर्षा होती है। यहाँ पर भी 10 अक्टूबर के बाद वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है। इसी समय अरब सागरीय शाखा दक्षिणी पठार के उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने बंगाल की खाड़ी से गुजरते समय विशेष आर्द्र बनकर जब पूर्वी तट पर टकराती हैं तो तमिलनाडु और खाड़ी के तटीय भागों में वर्षा करा देती हैं। इस समय यहां के आंतरिक भागों की ओर बढ़ने पर वर्षा कम होती जाती है। इस समय दक्षिणी भारत में तमिलनाडु के आसपास वर्षा 60-75 सेमी तक होती है, परंतु आंतरिक भागों में ये कम होती जाती है। यदि हम बेंगलुरु से डिब्रूगढ़ तक एक रेखा खींचे तो उसके पश्चिम में वर्षा इस मौसम में 5 सेमी से भी कम होती है। इस काल की वर्षा अधिकांश 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में उत्पन्न हुए चक्रवातों से आता है। ये चक्रवात जब सागर से किसी बड़े भूभाग की ओर बढ़ते हैं तो तेजी से समाप्त हो जाते हैं या बहुत ही क्षीण हो जाते हैं, किंतु जब तक इनका केंद्र बिंदु सागर के ऊपर रहता है तो सागर तट पर इनके द्वारा भयंकर हानि हो सकती है। ऐसे चक्रवात कभी कभी बंगाल की खाड़ी से उठकर प्रायद्वीपों को पार कर अरब सागर तक जाते हैं। इनके द्वारा कभी कभी समुद्र में बड़ी बड़ी ज्वार तरंगें आती है, जिनके द्वारा तट के निकट के निम्नस्थ क्षेत्रों विशेषकर आंध्र प्रदेश व ओडिशा के तट पर बड़ी क्षति पहुंचती है। एल नीनो एक गर्म जलधारा है, जबकि ला नीनो एक ठंडी जलधारा है। एलनीनो पेरू तट के निकट बहने वाली शीतल जलधारा को प्रतिस्थापित करती है। एलनीनो के प्रभाव से दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र का तापमान अपेक्षा से अधिक हो जाता है तथा पश्चिम प्रशांत की स्थिति शीतल हो जाती है, जिससे मानसूनी वर्षा की उत्पत्ति नहीं हो पाती है तथा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट, इंडोनेशिया तथा भारत में सूखे की स्थिति दर्ज की जाती है। जबकि ठंडी जलधारा ला नीनो दक्षिणी प्रशांत महासागर में उच्च वायु दाब क्षेत्र उत्पन्न कर मानसून की गति तेज करती है। दक्षिणी दोलन व भारतीय मानसून। प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर के बीच देखे गए घटते बढ़ते मौसमी बदलाव के प्रतिरूप को दक्षिणी दोलन कहते हैं। हिंद महासागर में शीत ऋतु में निम्न वायुदाब सकारात्मक दक्षिणी दोलन की स्थिति में आगामी मानसून को अच्छी संभावनाएं बनती है तथा उच्च वायुदाब नकारात्मक दक्षिणी दोलन में आगामी मानसून कमजोर होता है।
इसकी अवधि 2 से 7 वर्ष होती है तथा यह एलनीनो प्रभाव से जुड़ा होता है। एलनीनो के प्रकटन से नकारात्मक दक्षिणी दोलन की उत्पत्ति होती है जो भारत में कमजोर मानसून का कारण बनता है। दक्षिणी दोलन शीत ऋतु में हिंद महासागर के वायुदाब को प्रशांत महासागर को परिस्थिति के अनुसार प्रभावित करता है। भारत में वर्षा का वितरण। भारत में वर्षा का वितरण असमान है, कहीं अधिक और कहीं कम। यहाँ वर्षा का औसत लगभग 109 सेमी है, अर्थात प्रतिदिन लगभग 3670 लाख हेक्टेयर मीटर है। कभी कभी तो इस सामान्य औसत से वर्षा 30 सेमी और 20 सेमी तक विचलित हो जाती है। देश में शीतकालीन वर्षा का औसत 3 सेमी, गर्मी की वर्षा का 11 सेमी, वर्षा ऋतु का 82 सेमी तथा लौटते हुए मानसून की वर्षा का औसत 13 सेमी है। भारत का वार्षिक औसत विश्व के औसत 99.1 सेमी से कुछ ही अधिक है, किंतु विशेष ध्यान देने की बात यह है कि क्षेत्रीय एवं सामयिक दृष्टि से यह बहुत विषम है। वर्षा की निश्चितता और उसकी अनिश्चितता के आधार पर भारत के प्रदेशों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। 1. निश्चित वर्षा वाले प्रदेश, इनके अंतर्गत हिमालय का तराई प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, पश्चिमी मालाबार तट, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल और नर्मदा की ऊपरी घाटी सम्मिलित किए जाते हैं। यहाँ वर्षा प्रायः 150 सेमी से भी अधिक होती है। 2. अनिश्चित वर्षा वाले प्रदेश, इन प्रदेशों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, पश्चिमी और ऊपरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती भाग, मध्य राजस्थान का पठारी भाग, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात के मध्यवर्ती भाग, पूर्वी घाट के ढाल, संपूर्ण तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का दक्षिणी और पश्चिमी भाग, कर्नाटक, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ जिले हैं। यहाँ पर अधिकांश भागों में वर्षा 100 सेमी से भी कम होती है। भारत के कृषि मंत्रालय द्वारा वर्षा की दृष्टि से भारत के 3 विभाग किए गए हैं। निश्चित वर्षा वाले भाग, जहाँ वर्षा औसत 115 सेमी होती है, इन भागों के अंतर्गत देश के कुल क्षेत्रफल का 29.6% भाग सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत असम, उत्तरी पूर्वी सीमांत, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, बिहार, झारखंड, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीपों के क्षेत्र आते हैं। मध्यम वर्षा वाले भाग, जिनमें वर्षा का वार्षिक औसत 76 सेमी से 114 सेमी तक होता है, देश के कुल क्षेत्रफल का 21.2% भाग इनके अंतर्गत आता है, जो आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी व दक्षिणी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में फैला है। शुष्क प्रदेश, इस प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत 76 सेमी से कम का है, देश के कुल क्षेत्रफल का 49.6% इसके अंतर्गत है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली राज्यों में ये क्षेत्र पाए जाते हैं। जलवायु का भारत के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर प्रभाव। भारत की जलवायु की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनका भारत के आर्थिक जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है।
शायद ही किसी देश में वर्षों का जीवन पर इतना अधिक प्रभाव पड़ता हो जितना कि भारत में, क्योंकि 70% जनता भरण पोषण के लिए खेती एवं पशुपालन पर निर्भर करती है, जो मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून पर आधारित है। वास्तव में मानसून वह धुरी है जिस पर भारत का समस्त जीवन चक्र एवं राष्ट्रीय वार्षिक बजट घूमता है, क्योंकि वर्षा का अभाव खेती को ही नष्ट नहीं करता अपितु किसान एवं देश के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को भी झकझोर देता है। जलवायु के भारत के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव इस प्रकार हैं। शीतकाल में भी भारत का तापमान बहुत नीचे नहीं गिरता, वरन प्रत्येक भाग में यथेष्ट गर्मी रहती है। इस कारण कृषि कार्यों के लिए अधिक समय मिलता है। अधिकांश भागों में पाला और कोहरा नहीं पड़ता, अतः भारत में इस काल में शीतोष्ण कटिबंध की फसलें पैदा की जा सकती है और गर्मियों में उष्ण कटिबंध तथा अर्ध उष्ण कटिबंध की फसलें। अतः भारत में विश्व की सभी प्रकार की फसलें या कृषि उपज पैदा की जा सकती है। ग्रीष्मकाल में तापमान अचानक बढ़ता है, अतः फसलें शीघ्र पक जाती हैं। शीघ्रता से पकने के कारण उनकी किस्म अच्छी नहीं होती है। भारत गुणात्मक उत्पादक नहीं वरन परिमाणात्मक उत्पादक देश माना जाता है। ये बात दोनों ऋतुओं की ही फसलों पर लागू होती है। निरंतर कृषि शोध के पश्चात भारतीय गुणात्मक उत्पादकता में भी 1965 के पश्चात निरंतर सुधार आने लगा है। भारत का बासमती चावल एवं फार्म का गेहूं अपनी किस्म में विश्व प्रसिद्ध हैं। जून, जुलाई और अगस्त के गर्मी के महीनों में ही अधिकांश वर्षा होती है। इससे सभी फसलें शीघ्र ही तैयार हो जाती हैं। इन दिनों की गर्म और नम जलवायु के कारण पौधों की वृद्धि और उत्पत्ति अधिक होती है, जिससे पशुओं को यथेष्ट चारा मिल जाता है, परंतु वर्ष का शेष भाग शुष्क रहता है। इस कारण यहाँ घास के मैदान नहीं पाए जाते। जो कुछ भी घास वर्षा के दिनों में पैदा होती है वह वर्षा के उपरांत धूप की तीव्रता से जल जाती है और चारे की कमी हो जाती है। जो कुछ भी चारा होता है वह पौष्टिक नहीं होता है, अतः पशुओं को जमा किया हुआ चारा खिलाना पड़ता है। वर्षा की सीमित अवधि के कारण शीतकाल में कृषि के लिए सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। भीषण गर्मी के उपरांत वर्षा आने से अनेक व्याधियां और रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ भागों में मलेरिया, आंत्रशुद्ध आदि का भीषण प्रकोप होता है। इससे जनसंख्या की कार्यक्षमता नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार वर्षा काल तथा ग्रीष्म के आरंभ में अनेक रोगों के कारण बच्चों की मृत्यु दर भी ऊंची रहती है। भारत में वर्षा बहुत ही अनिश्चित होती है। किसी वर्ष वर्षा कम होने से सूखे की स्थिति में दुर्भिक्ष पड़ जाता है, तो किसी वर्ष वर्षा अधिक होने से नदियों में बाढ़ आ जाती है, इससे भी फसलें नष्ट हो जाती हैं। इसी कारण भारतीय ग्रामीण निराशावादी और भाग्यवादी बन गया है। वर्षा की अनिश्चितता के कारण ही भारत सरकार के वित्त विभाग का बजट मानसून का जुआ समझा जाता है, क्योंकि अकाल पड़ने या बाढ़ के कारण लगान वसूली बंद हो जाती है और सरकार को अकाल व बाढ़ पीड़ितों की सहायता करनी पड़ती है। वर्षा के इस विषम वितरण के कारण ही यहाँ विभिन्न प्रकार की कृषि, आर्द्र कृषि, सिंचित कृषि तथा शुष्क कृषि की जाती है। इसी भांति मानसून या वर्षा के काल में उष्ण व अर्धउष्ण कटिबंध की एवं शीत ऋतु में शीतोष्ण कटिबंध की फसलें पैदा की जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ के कारण अपार जन धन एवं फसल, पशुओं और रेलमार्गों तथा सड़कों की हानि होती है। इसी प्रकार तूफानी या चक्रवातीय वर्षा के कारण खड़ी हुई फसलों और पशुओं को भी भारी हानि उठानी पड़ती है।
मानसूनी जलवायु मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव भी डालती है। व्यक्ति अपने जीवन के लिए कितना संघर्ष करता है, ये बात उसके चरित्र को प्रभावित करती है। भारतवासी तो उष्णकटिबंध का निवासी है, इसलिए वह शीघ्र ही प्रौढ़ हो जाता है और शीघ्र ही वृद्ध भी। एक औसत भारतीय की जीवन अवधि अब 65 वर्ष है, जो कि यूरोपीय देशों की तुलना में काफी कम है। किया किशोरावस्था में शीघ्र ही प्रवेश कर जाती है। ये भारत में बाल विवाह की प्रथा के प्रचलन का एक भौगोलिक कारण है। यहाँ का पहनावा भी जलवायु के अनुसार प्रभावित होता है। भारत में अधिक गर्मी पड़ने तथा ग्रीष्म में ही वर्षा होने के फलस्वरूप ढीले एवं महीन सूती वस्त्र अधिक पहने जाते हैं। उत्तरी भारत में विशेषकर शीतकाल में लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं, जिससे शरीर गर्म रहता है। रेशमी कपड़ा भी हल्का होता है, अतः वह हिंदुओं में उत्सवों के अवसरों पर अधिक पहना जाता है, जैसे पीतांबर, साड़ियां, ऊपरने, कुर्ते आदि। भारत के भिन्न भिन्न भागों में वनस्पति की विविधता पाई जाती है, अतः वह भी अपना प्रभाव वस्त्रों पर डालती है। यहाँ की स्त्रियां रंगीन छपी हुई साड़ियां अधिक पहनती हैं। मारवाड़ी स्त्रियों के भारी लहंगे तथा सिद्धियों के सलवार और कुर्ते तथा मुसलमानों के बुरके एवं तंग पायजामे व कुर्ते आदि मुख्य वेशभूषा हैं, क्योंकि जिन भागों में ये रहते हैं वहाँ शुष्कता एवं गर्मी का साम्राज्य है, अतः धूल और गर्मियों से बचने के लिए ऐसे ही वस्त्र पहने जाते हैं, जिससे अधिक सुविधा रह सके। अन्य उष्णकटिबंधीय देशों की भांति भारत में भी धूप या रोशनी की अपेक्षा हवा की अधिक आवश्यकता रहती है। इसी कारण यहाँ के भवन शीतोष्णकटिबंधीय देशों की तुलना में भिन्न प्रकार के होते हैं। प्रत्येक भवन में आंगन और सहन होते हैं, जिससे शीतल वायु निर्विरोध घरों के भीतरी भागों में पहुँच सके। बड़े बड़े प्रासादों, महलों में तो कमरों की छतें बहुत ऊँची रखी जाती है, ताकि दूषित वायु का रोशनदानों से निकास व शुद्ध वायु का खिड़की दरवाजों से प्रवेश हो सके। भारतीय जलवायु की मुख्य विशेषताएं। मानसून पवनों का प्रभाव। भारतीय जलवायु के संबंध में सबसे मुख्य बात यह है कि यह जलवायु पूर्णतः मानसूनी पवनों से प्रभावित है। यही कारण है कि भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून पवनों का प्रभाव भारत की जलवायु पर किसी अन्य देश की तुलना में अधिक पड़ता है। वर्षा की मात्रा तथा समय। भारत की अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों द्वारा होती है। देश की कुल वर्षा का 75% ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून काल में, 13% मानसून के उपरांत काल में, 10% पूर्व मानसून काल में तथा शेष 2% शीतकाल में होता है। वर्षा का असमान वितरण। भारत में वर्षों का क्षेत्रीय वितरण समान नहीं है। मासिनराम में 1221 सेमी वार्षिक वर्षा होती है, जबकि जैसलमेर में 10 सेमी से भी कम वार्षिक वर्षा होती है। भारत का केवल 11% भाग 200 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, जबकि लगभग एक तिहाई भूभाग में 75 सेमी से कम वार्षिक वर्षा होती है। वर्षा की अनिश्चितता। मानसूनी वर्षा का अधिकांश भाग जुलाई से सितंबर तक प्राप्त होता है, परंतु मानसून वर्षा प्रायः समय पर नहीं आती और काफी अनिश्चित होती है। कभी तो यह वर्षा समय से पहले आ जाती है और कभी काफी देर से आती है। इससे कृषि कार्य पर प्रतिकूल यहाँ का पहनावा भी जलवायु के अनुसार प्रभावित होता है। भारत में अधिक गर्मी पड़ने तथा ग्रीष्म में ही वर्षा होने के फलस्वरूप ढीले एवं महीन सूती वस्त्र अधिक पहने जाते हैं। उत्तरी भारत में विशेषकर शीतकाल में लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं, जिससे शरीर गर्म रहता है। रेशमी कपड़ा भी हल्का होता है,
अतः वह हिंदुओं में उत्सवों के अवसरों पर अधिक पहना जाता है, जैसे पीतांबर, साड़ियां, ऊपरने, कुर्ते आदि। भारत के भिन्न भिन्न भागों में वनस्पति की विविधता पाई जाती है, अतः वह भी अपना प्रभाव वस्त्रों पर डालती है। यहाँ की स्त्रियाँ रंगीन छपी हुई साड़ियाँ अधिक पहनती हैं। मारवाड़ी स्त्रियों के भारी लहंगे तथा सिद्धियों के सलवार और कुर्ते तथा मुसलमानों के बुरके एवं तंग पायजामे व कुर्ते आदि मुख्य वेशभूषा हैं, क्योंकि जिन भागों में ये रहते हैं वहाँ शुष्कता एवं गर्मी का साम्राज्य है, अतएव धूल और गर्मियों से बचने के लिए ऐसे ही वस्त्र पहने जाते हैं जिससे अधिक सुविधा रह सके। अन्य उष्णकटिबंधीय देशों की भांति भारत में भी धूप या रोशनी की अपेक्षा हवा की अधिक आवश्यकता रहती है। इसी कारण यहाँ के भवन शीतोष्णकटिबंधीय देशों की तुलना में भिन्न प्रकार के होते हैं। प्रत्येक भवन में आंगन और सहन होते हैं, जिससे शीतल वायु निर्विरोध घरों के भीतरी भागों में पहुँच सके। बड़े बड़े प्रासादों, महलों में तो कमरों की छतें बहुत ऊँची रखी जाती है, ताकि दूषित वायु का रोशनदानों से निकास व शुद्ध वायु का खिड़की दरवाजों से प्रवेश हो सके। भारतीय जलवायु की मुख्य विशेषताएं। मानसून पवनों का प्रभाव। भारतीय जलवायु के संबंध में सबसे मुख्य बात यह है कि यह जलवायु पूर्णतः मानसूनी पवनों से प्रभावित है। यही कारण है कि भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून पवनों का प्रभाव भारत की जलवायु पर किसी अन्य देश की तुलना में अधिक पड़ता है। वर्षा की मात्रा तथा समय। भारत की अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों द्वारा होती है। देश की कुल वर्षा का 75% ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून काल में, 13% मानसून के उपरांत काल में, 10% पूर्व मानसून काल में तथा शेष 2% शीतकाल में होता है। वर्षा का असमान वितरण। भारत में वर्षों का क्षेत्रीय वितरण समान नहीं है। मासिनराम में 1221 सेमी वार्षिक वर्षा होती है, जबकि जैसलमेर में 10 सेमी से भी कम वार्षिक वर्षा होती है। भारत का केवल 11% भाग 200 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, जबकि लगभग 1/3 भूभाग में 75 सेमी से कम वार्षिक वर्षा होती है। वर्षा की अनिश्चितता। मानसूनी वर्षा का अधिकांश भाग जुलाई से सितंबर तक प्राप्त होता है, परंतु मानसून वर्षा प्रायः समय पर नहीं आती और काफी अनिश्चित होती है। कभी तो यह वर्षा समय से पहले आ जाती है और कभी काफी देर से आती है। इससे कृषि कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 10 वर्षों की अवधि में केवल 2 वर्ष ही मानसून की वर्षा समय पर आरंभ तथा समाप्त होती है। शेष 8 वर्षों में इसके प्रारंभ तथा समापन में अनिश्चितता पाई जाती है। वर्षा की अनियमितता। मानसूनी वर्षा अनिश्चित होने के साथ साथ अनियमित भी होती है। यह अपनी नियमित मात्रा से अधिक अथवा कम हो सकती है, जिससे क्रमशः बाढ़ अथवा सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अनियमितता का प्रभाव विशेष रूप से 50 से 100 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पड़ता है। ऊपरी व मध्य गंगा का मैदान तथा प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भागों में इसका प्रभाव पड़ता है। इससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अनियमितता के बावजूद भी फसलों के लिए पर्याप्त जल मिल जाता है और इससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। मानसून विभिन्नता। मानसून की वर्षा निरंतर नहीं होती, बल्कि कुछ दिनों के अंतराल पर रुक रुक कर होती है। कभी कभी वर्षा काल के 1 माह तक वर्षा नहीं होती है। किसी वर्ष वर्षा ऋतु के आरंभ में खूब वर्षा हो जाती है और इसके बाद एक लंबा सूखा अंतराल आ जाता है। इसे मानसून विभिन्नता कहते हैं। इससे कृषि को हानि पहुंचती है।
मूसलाधार वर्षा देश की कुल वार्षिक वर्षा का 75% भाग मानसूनी पवनों द्वारा वर्ष के केवल 4 महीनों में प्राप्त होता है। इन 4 महीनों में भी वास्तविक वर्षा के दिन केवल 40 से 45 ही होते हैं। इन दिनों वर्षा बंदा बूंदी के रूप में न होकर मूसलाधार रूप में होती है। चेरापूंजी में 180 दिन में 1080 सेमी तथा श्रीगंगानगर राजस्थान में 10-12 दिनों में 12 सेमी वर्षा हो जाती है। धरातलीय वर्षा मानसूनी वर्षा मूल रूप से धरातलीय वर्षा है। देश में स्थित ऊंचे पर्वत मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा करने में सहायता करते हैं। हिमालय पर्वत तथा पश्चिमी घाट इस संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पवन सम्मुख ढालों पर खूब वर्षा होती है, जबकि पवन विमुख ढाल प्रायः शुष्क रह जाते हैं। तापमान का असमान वितरण। भारत के विभिन्न भागों में तापमान की भिन्नता पाई जाती है। उत्तर पश्चिमी भारत में महाद्वीपीय जलवायु है, जिस कारण ग्रीष्म ऋतु में तापमान 45 डिग्री से तक पहुंच जाता है, जबकि शीत ऋतु में ये हिमांक से भी नीचे गिर जाता है। दक्षिणी भारत में समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण तापमान में अधिक विषमता नहीं पाई जाती है। भारत के जलवायु क्षेत्र। भारत की विशालता एवं अनेक स्थलाकृतिक विशेषताओं के कारण भारत का विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में विभाजन कर पाना एक दुष्कर कार्य है, तथापि भारत के जलवायु क्षेत्रों को मुख्यतः वर्षा की मात्रा एवं तापमान को आधार बनाकर वर्गीकृत किया गया है। किंतु कोपेन तथा ट्वियोथों द्वारा किया गया वर्गीकरण प्रायः सर्वमान्य है। इन्होंने जलवायु क्षेत्रों में विभाजन का आधार प्रमुख रूप से वर्षा की मात्रा एवं तापमान को बनाया है। कोपेन का वर्गीकरण। कोपेन ने 1918 में भारत को विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभाजित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कोपेन ने जलवायु प्रदेश विभाजन के लिए वार्षिक मासिक तापमान, वर्षा की मात्रा तथा स्थानीय वनस्पति को आधार माना। उन्होंने भारत की जलवायु को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया है। अल्प शुष्क ऋतु वाले मानसून प्रकार के क्षेत्र इस क्षेत्र के अंतर्गत मालाबार व कोंकण तट के क्षेत्र आते हैं। शीत ऋतु प्रायः शुष्क होती है, परंतु ग्रीष्म ऋतु में 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है व यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार के क्षेत्र इसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठार के भाग आते हैं। यहाँ शीत ऋतु शुष्क एवं ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। अधिकांश दीर्घावधि ग्रीष्म ऋतु वाले शुष्क मानसून प्रकार के क्षेत्र कोरोमंडल तट पर ऐसी जलवायु मिलती है। शीत ऋतु में इन स्थानों पर वर्षा होती है व उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु मिलती है। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु क्षेत्र। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान व हरियाणा के कुछ भाग आते हैं। यहाँ ग्रीष्म काल में साधारण वर्षा होती है व अर्ध मरुस्थलीय शुष्क जलवायु पाई जाती है। शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र इसके अंतर्गत पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्रों में तापमान अधिक व अत्यंत कम वर्षा होती है। समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु क्षेत्र भारत के मैदानी क्षेत्र इस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में वर्षा व शीत ऋतु शुष्क होती है। शीतोष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ सभी ऋतुओं में वर्षा होती है। ध्रुवीय प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्र इसके अंतर्गत कश्मीर व निकटवर्ती 6 पर्वतमालाएं आती हैं। यहाँ सर्वाधिक तापमान 10 डिग्री से तक जाता है। टुंड्रा प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्र उन पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसी जलवायु पाई जाती है जहां तापमान 0 डिग्री से 10 डिग्री से
के मध्य रहता है व ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आती है। उत्तराखंड के पर्वतीय अंचलों में ऐसी जलवायु पाई जाती है। ट्वेथा का वर्गीकरण। भारतीय जलवायु क्षेत्रों में किए गए अभी तक के सभी वर्गीकरणों में ट्वेथा 7 द्वारा किया गया वर्गीकरण अधिक संतोषजनक है। वस्तुतः ट्वेथा द्वारा किया गया वर्गीकरण कोपिंग के वर्गीकरण का ही सुधारा हुआ रूप है। ट्वेथा ने संपूर्ण भारत को 4 वर्गों ए बी सी एच में विभाजित किया है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जहां का तापमान उच्च बना रहता है, को अ प्रकार की जलवायु कहा गया है। बी प्रकार उच्च तापमान किंतु निम्न वर्षा युक्त शुष्क जलवायु की ओर इंगित करता है। सी प्रकार के क्षेत्र वे हैं जहां 0 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के मध्य के निम्न तापमान युक्त शुष्क सर्दी वाली जलवायु विद्यमान रहती है। एच प्रकार पर्वतीय जलवायु का संकेतक है। ए बी सी प्रकारों को पुनः उपविभाजित किया गया है। इस प्रकार यहाँ 7 प्रकार के जलवायु क्षेत्र हैं। 1. उष्णकटिबंधीय वर्षा वन एम, ये वन पश्चिमी तटीय मैदानों सह्याद्री एवं असम के कुछ भागों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों का तापमान सदैव उच्च रहता है तथा कभी भी तापमान सर्दियों में भी 18.2 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरता है। अप्रैल एवं मई में तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। ये दोनों महीने इन क्षेत्रों के सर्वाधिक गर्म महीने माने जाते हैं। यहाँ मई से नवंबर तक लगभग 200 सेमी वर्षा होती है। 2. उष्णकटिबंधीय सवाना आओ, इस प्रकार की जलवायु पश्चिमी घाट के पवन विमुखी पार्श्व के अर्ध शुष्क क्षेत्र को छोड़कर अधिकांश प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ सर्दियों के दौरान औसतन 18.2 डिग्री सेल्सियस तथा गर्मियों के दौरान 32 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। यहाँ तापमान कभी कभी 46 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है। जून से सितंबर तक वर्षा होती है, यद्यपि दक्षिण में ये दिसंबर माह के अंत तक होती रहती है। वार्षिक वर्षा का वितरण असमान है। पश्चिम में जहां 76 सेमी वर्षा होती है, वहीं पूर्व में 152 सेमी वर्षा होती है। प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश भाग इसके तहत आता है। 3. उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु बीएस, अत्यधिक वर्षा वाले इस जलवायु क्षेत्र में मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु तथा पश्चिमी आंध्र प्रदेश आते हैं। इन क्षेत्रों में तापमान का वितरण विषमतापूर्ण है, जो कि दिसंबर में 20 डिग्री सेल्सियस से 23.8 डिग्री सेल्सियस तक तथा मई में 32.8 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ये दोनों महीने इन क्षेत्रों के क्रमशः सबसे ठंडे और गर्म महीने हैं। यहाँ वार्षिक वर्षा 40 से 75 सेमी तक होती है, अतः ये क्षेत्र भारत के अकाल प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। 4. उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु बीएसएच, इस प्रकार की जलवायु पंजाब, थार मरुस्थल, उत्तरी गुजरात एवं पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। यहाँ 12 डिग्री सेल्सियस जनवरी तथा 35 डिग्री सेल्सियस जून के मध्य तापमान रहता है। ये दोनों महीने वर्ष के क्रमशः सबसे ठंडे और गर्म महीने हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है। यहाँ 30.5 से 63.5 सेमी तक वर्षा होती है, साथ ही अत्यधिक अनियमितता भी है। 5. उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय BWH, ये जलवायु राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों तथा कच्छ के कुछ भागों में पाई जाती है। यहाँ का तापमान औसतन उच्च रहता है, लगभग 34.5 डिग्री सेल्सियस मई और जून यहाँ के सबसे गर्म महीने हैं।
सर्दियों में तापमान उत्तर की ओर घटता जाता है। वार्षिक वर्षा औसतन 30.5 सेमी होती है, किंतु कुछ क्षेत्रों में 12.7 सेमी से भी कम वर्षापात होता है। डॉट शुष्क शीतयुक्त आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु को दक्षिणी हिमालय के बड़े क्षेत्र उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी के पूर्व तथा उष्णकटिबंधीय सवाना के उत्तर में पंजाब से असम तक ये जलवायु पाई जाती है। इनके अतिरिक्त राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व में भी यह जलवायु पाई जाती है। यहाँ सर्दियाँ सौम्य होती हैं। पश्चिमी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म होती है, किंतु पूर्व में थोड़ी सौम्य हो जाती है। मई और जून सर्वाधिक गर्म महीने हैं। वार्षिक वर्षापात 63.5 सेमी से 254 सेमी तक रहता है। डॉट पर्वतीय जलवायु एच इस प्रकार की जलवायु हिमालय जैसे 6000 मीटर या अधिक की ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ धूपयुक्त तापमान एवं छायित ढालों के तापमान के मध्य स्पष्ट विभाजन रहता है। हिमालय पार पट्टी जो कि पश्चिमी हिमालय के उत्तर में स्थित है की जलवायु शुष्क एवं ठंडी है। यहाँ छितरी हुई और अविकसित प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। सर्दियां काफी ठंडी होती हैं और वर्षापात अपर्याप्त होता है। प्रतिदिन एवं वार्षिक तापमान उच्च रहता है। हिमालय की दक्षिणी ढालें जहां अत्यधिक ठंड से रक्षा करती हैं, वहीं दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के प्रवेश को भी सुगम बनाती है। यहाँ 1069-2286 मीटर या अधिक की ऊंचाई वाली ढालों पर भारी वर्षापात होता है। सूखा ड्रॉट। साधारण शब्दों में सूखा से अभिप्राय पानी की अल्पता व अनुपलब्धता से उत्पन्न शुष्कता से है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार सूखा वह स्थिति है जब किसी क्षेत्र विशेष में सामान्य से 25% कम वर्षा होती है। ये सूखे की न्यून स्थिति है। जब वर्षा के स्तर में कमी 26-50% से अधिक होती है तो भयंकर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मानसून की अनिश्चित प्रकृति के कारण भारत में औसतन प्रति 5 वर्ष में एक बार सूखा पड़ता है। सूखे के कारण अल्प सिंचाई सुविधा वाले भाग अधिक प्रभावित होते हैं। देश के कुल क्षेत्रफल के 35% भाग ऐसे हैं जहां औसतन 75 सेमी से कम वर्षा होती है। सूखा संभावित क्षेत्रों में पश्चिमी घाट में कृष्णा नदी के साथ तट से 80 किलोमीटर दूर तक के क्षेत्र अहमदाबाद जलंधर व कानपुर के मध्य अर्ध शुष्क व मरुस्थली क्षेत्र तमिलनाडु के कोयम्बटूर व तिरुनलवेली क्षेत्र कच्छ व सौराष्ट्र ओडिशा पुरुलिया पश्चिम बंगाल व मिर्जापुर पठार इत्यादि आते हैं। वस्तुतः विशाल जल स्रोतों की उपलब्धता के बाद भी भारत को प्रायः सूखे का सामना करना पड़ता है। यहाँ लंबी मध्यम एवं लघु नदियां हैं। यहाँ की वार्षिक औसत वर्षा हिमवर्षण सहित लगभग 114 सेमी है, जिससे लगभग 4000 क्यूबिक किमी जल प्राप्त होता है। वाष्पीकरण तथा अन्य प्रकार की हानि के पश्चात भी लगभग 1870 क्यूबिक किमी जल की उपलब्धता होनी चाहिए, किंतु यह मात्र 700 क्यूबिक किमी रहता है। भारत में लगभग 68% क्षेत्र सिंचाई हेतु का वर्षा के जल पर निर्भर है। वर्षा के जल के वितरण व मात्रा में भारी विषमताएं हैं। पश्चिमी राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र तेलंगाना रॉयलसीमा बिहार सौराष्ट्र एवं कच्छ तथा ओडिशा कालाहांडी बलांगीर एवं कोरापुट के कुछ भाग सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है। सूखा प्रबंधन। हालांकि सूखे को एक प्राकृतिक आपदा माना जाता है, किंतु मानव भी इसके लिए उत्तरदायी है।
मानव ने प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया है। प्रकृति में असंतुलन, वृक्षों के कटाव आदि से भी वर्षा की मात्रा प्रभावित होती है। इस प्रकार सूखा एक प्राकृतिक आपदा के साथ साथ मानवीय क्रियाकलापों का प्रतिफल भी है। सूखे से निपटने के लिए व्यापक स्तर पर योजनाएं बनाकर उन्हें समुचित रूप से संचालित किया जाना चाहिए। सुदूर संवेदन विधि, उपग्रह मानचित्रण तथा भौगोलिक सूचना तंत्र विधि द्वारा भूजल के भंडारों की खोज की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त जल संग्रहण हेतु छोटे बांधों का निर्माण, सूखारोधी फसलें लगाना तथा वनारोपण करना इत्यादि अन्य प्रभावी उपाय है। बाढ़, फ्लड। सामान्यतः जब किसी नदी का जल स्तर इतना बढ़ता है कि आसपास की भूमि पूर्णतया जल प्लावित हो जाती है, तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी बाढ़ें भयंकर रूप धारण कर लेती हैं। इनसे फसलों, भवनों, सड़कों तथा रेलवे लाइनों को भारी नुकसान होता है। भारत के बाढ़ क्षेत्र। मानसून की अनिश्चितता ने भारत को विश्व का सर्वाधिक बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र बना दिया है। भारी वर्षा, चक्रवात, उफनती नदियों, नदी तल के उच्चावच व नदियों के बहाव की दिशा में परिवर्तन और खराब अपवाह व्यवस्था के कारण भारत के कुल 2.42 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में से 25-50% क्षेत्र में बाढ़ आती है या वे बाढ़ संभावित क्षेत्रों में आते हैं। बाढ़ के लिए मुख्यतः गंगा व ब्रह्मपुत्र तंत्र की नदियां उत्तरदायी हैं। राज्यों में कुल क्षति का 33% उत्तर प्रदेश को, बिहार को 27% व पंजाब व हरियाणा को 15% वहन करना पड़ता है। बाढ़ से प्रभावित अन्य राज्यों में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश व गुजरात शामिल हैं। दक्षिण में गोदावरी व कृष्णा नदी दोआब में समय समय पर बाढ़ आती रहती है। बाढ़ आने के अन्य कारणों में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वनोन्मूलन होना, नदी मुहाने पर अपतटरोधिका का होना जो नदी के प्रवाह में बाधा डालती है इत्यादि हैं। बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ नियंत्रण के अनेक कार्यक्रमों के अंतर्गत बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने के लिए भंडारण बांध, अपवाह चैनल व तटबंध बनाए गए हैं। बाढ़ से सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम 1954 में आरंभ किया गया। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत सभी बाढ़ संभावित क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम नीति में 3 चरण निर्धारित किए गए हैं। 1. पहला चरण 2 वर्ष का था, जिसमें मूलभूत जल संबंधी आंकड़े एकत्र करना, तटबंधों का निर्माण करना, नदी चैनलों में सुधार करना, ग्रामों के भू स्तर को बाढ़ स्तर से ऊपर उठाना इत्यादि कार्यों को पूरा करना था। 2. दूसरा चरण अगले 4-5 वर्षों में पूरा किया जाना था, जिसमें धरातलीय अपवाह में सुधार, बाढ़ की पूर्व सूचना देने वाले तंत्र का विकास करना, ग्रामों को बाढ़ स्तर से ऊपर उठाना या विस्थापित करना और अधिक तटबंधों का निर्माण करना व ऊंचे प्लेटफार्मों का निर्माण करना ताकि उनका उपयोग बाढ़ आपातकाल में किया जा सके, तथा जल निकासी के लिए चैनल निर्माण करना इत्यादि उपाय शामिल थे। तीसरा चरण दीर्घावधि के लिए विचारित था, जिसमें बाढ़ नियंत्रण के 3 ये बांधों व भंडारण बांधों का निर्माण, विभिन्न नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में मृदा संरक्षण इत्यादि कार्यक्रम चलाना विचारित था। बाढ़ की पूर्व सूचना देने के लिए ताप्ती, सूरत, नर्मदा, भरौच, गंगा, वाराणसी, बक्सर, पटना, ब्रह्मपुत्र, डिब्रूगढ़ व गुवाहाटी, तीस्ता, जलपाईगुड़ी, यमुना, दिल्ली, स्वर्णरेखा, भुवनेश्वर, चंबल इत्यादि नदियों पर सूचना केंद्र स्थापित किए गए हैं। भारत में चक्रवात।
चक्रवात निम्न वायुदाब का वह क्षेत्र है जो चारों ओर से उच्च वायुदाब द्वारा घिरा हुआ होता है। वायु चारों ओर से चक्रवात के निम्न वायुदाब वाले केंद्र की ओर चलती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवने उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में चलती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पवने घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुकूल चलती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात विषुवत रेखा के 30 डिग्री दक्षिण व उत्तर अक्षांशों के आसपास ही सीमित होते हैं। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात सामान्यतः 500 से 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला होता है और इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 12 से 14 किलोमीटर हो सकती है। हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय चक्रवात अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में पैदा होते हैं और भारत के तट को पार करके आंतरिक भागों में प्रवेश करते हैं। जब कमजोर रूप से विकसित कम दबाव के क्षेत्र के चारों ओर तापमान की क्षैतिज प्रवणता बहुत अधिक होती है, तब उष्णकटिबंधीय चक्रवात बन सकता है। यद्यपि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के संबंध में निश्चित रूप से कहना मुश्किल है, तथापि इस संबंध में निम्नलिखित प्रारंभिक परिस्थितियों का होना अनिवार्य है। निरंतर तथा पर्याप्त मात्रा में उष्ण, तापमान 26 डिग्री से अधिक तथा आर्द्र वायु का उपलब्ध होना, जिनसे बड़ी मात्रा में गुप्त ऊष्मा निर्मुक्त हो। तेज कोरियोलिस बल जो केंद्र पर स्थित निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र को भरने न दे। यहाँ पर बताना आवश्यक है कि भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण तक उष्णकटिबंधीय चक्रवात पैदा नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर कोरियोलिस बल बहुत कम है। क्षोभ मंडल में अस्थिरता। मजबूत ऊर्ध्वाधर वायु फान की अनुपस्थिति, जो नम और गुप्त ऊष्मा युक्त वायु के ऊर्ध्वाधर बहाव को अवरुद्ध करें। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में बहुत अधिक दाब प्रवणता 14-17 मी बा 100 किलोमीटर होती है। कुछ चक्रवातों में यह इससे भी अधिक ऊंची अर्थात 60 मी बा 100 किलोमीटर होती है। पवन पट्टी केंद्र से 10 से 150 किलोमीटर या कभी कभी इससे अधिक दूरी में फैली होती है। धरातल पर पवन का चक्रवातीय परिसंचरण होता है तथा ऊंचाई पर यह प्रतिचक्रवातीय बन जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की क्रोड कोष्ण होती है। चक्रवात का केंद्र सामान्यतः मेघ विहीन होता है। इसे चक्रवात की आंख कहते हैं। चक्रवात की आंख बहुत ऊंचाई तक फैले ऊर्ध्वाधर बादलों से घिरी होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात से सामान्यतः 50 सेमी से अधिक वर्षा होती है। कभी कभी वर्षा 100 सेमी से भी अधिक हो जाती है। चक्रवात अपने पूरे तंत्र के साथ लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति से आगे बढ़ता है। जैसे जैसे चक्रवात स्थल पर बढ़ता जाता है, समुद्री जल के अभाव में इसकी ऊर्जा घटती जाती है। इससे चक्रवात समाप्त हो जाता है। चक्रवात को जीवन अवधि 5 से 7 दिनों की होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का स्थानिक एवं कालिक वितरण। अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में तूफानों की संख्या कहीं अधिक है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में अधिकतर तूफान अक्टूबर और नवंबर के महीनों में आते हैं। मानसून ऋतु का प्रारंभिक भाग भी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय तूफानों की उत्पत्ति के अनुकूल है। मानसून ऋतु में अधिकतर चक्रवात 10 डिग्री उत्तरी तथा 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य ही उत्पन्न होते हैं। जून में बंगाल की खाड़ी के लगभग सभी तूफान 92 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में 16 डिग्री उत्तरी और 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जन्म लेते हैं। जुलाई में खाड़ी से तूफानों का जन्म 18 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में तथा 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में होता है।
ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि जुलाई के सभी तूफान पश्चिमी पथ का अनुसरण करते हैं। ये सामान्यतः 20 उत्तरी तथा 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य तक ही सीमित रहते हैं तथा हिमालय के गिरिप पहाड़ियों की ओर अपेक्षाकृत बहुत कम मुड़ते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का विध्वंसकारी प्रभाव। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का आकार छोटा होता है और दाब प्रवणता तीव्र होने के कारण वायु बड़ी तीव्र गति से चलती है, अतः इससे जान माल की भारी हानि होती है। लाखों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। पेड़, बिजली तथा टेलीफोन के खंभे उखड़ जाते हैं और भवनों को भी भारी हानि होती है। इन चक्रवातों से भारी वर्षा होती है जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवात सामान्यतया अक्टूबर से दिसंबर तक पैदा होते हैं। कुछ चक्रवात मई में भी बनते हैं। अरब सागर के चक्रवात प्रायः अप्रैल से जून तक पैदा होते हैं। इनका मार्ग सामान्यतया तट के समानांतर होता है और ये बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों की अपेक्षा स्थलीय भाग को कम प्रभावित करते हैं। समुद्र में चक्रवातों के पैदा होने से ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और मछुआरों तथा नाविकों की जान को खतरा हो जाता है। बहुत से मछुआरे अपनी जान गंवा बैठते हैं। ये चक्रवात ओडिशा, आंध्र प्रदेश तथा बंगाल में भयानक विनाश लीला करते हैं। समुद्र तल में वायु, समुद्र और जमीन की अंतः क्रिया से ये उत्पन्न होते हैं। तूफान में अत्यधिक वायुदाब प्रवणता और अत्यधिक तेज सतही पवने उफान को उठाने वाले बल हैं। इससे समुद्री जल तटीय क्षेत्रों में प्रविष्ट हो जाता है, वायु की गति तेज होती है और भारी वर्षा होती है। क्षति का प्रभाव कम करने के उपाय। अधिकतर चक्रवातीय क्षति तेज पवनों, मूसलाधार वर्षा और समुद्र में उठने वाली ऊंची तूफानी ज्वारीय लहरों के द्वारा होती है। पवनों की तुलना में चक्रवातीय वर्षा के कारण आई बाढ़ अधिक विनाशकारी होती है। चक्रवात के संबंध में आगामी सूचना का प्रबंध होना चाहिए जिससे सामयिक कार्यवाही की जा सके और लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। इससे मृतकों की संख्या कम हो सकती है। उपग्रह से प्राप्त चित्रों तथा कंप्यूटर द्वारा बनाए गए मॉडलों की सहायता से चक्रवातों की तीव्रता, दिशा तथा उनके पथ के संबंध में काफी हद तक आगामी सूचना प्राप्त की जा सकती है। सुरक्षा के आश्रय स्थलों के तटबंधों, जलाशयों आदि के निर्माण से चक्रवातों के प्रभाव से काफी हद तक बचा जा सकता है। तटीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण से चक्रवातों के प्रभाव को कम करने में सहायता मिलती है। फसलों तथा पशुओं के बीमे से भी लोगों को क्षतिपूर्ति में सहायता मिलती है। पश्चिमी विक्षोभ। ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का एक वर्ग है। इसकी उत्पत्ति के संबंध में कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, परंतु जे बर्कनीज द्वारा प्रस्तुत किया गया ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत सर्वमान्य है। इस सिद्धांत के अनुसार शीतोष्ण कटिबंधीय इलाकों में दो विभिन्न प्रकार के तापमान तथा आर्द्रता वाली वायु राशियों के आपस में मिलने के कारण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। कम तापमान तथा आर्द्रता वाली वायु राशियां ध्रुवीय प्रदेशों से तथा अधिक तापमान तथा आर्द्रता वाली वायु राशियां उपोष्ण कटिबंध से आती हैं और लगभग 6 डिग्री अक्षांशों पर एक दूसरे से मिलती है। ये वायु राशियां एक दूसरे में विलीन नहीं होती बल्कि उनके बीच एक सुनिश्चित सीमा बनी रहती है जिसे ध्रुवीय वाताग्र कहते हैं। अधिक तापमान तथा आर्द्रता वाली वायु राशि हल्की होती है और कम तापमान एवं आर्द्रता वाली भारी वायु राशि के ऊपर चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। भारत
में आने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भूमध्य सागर के ऊपर पैदा होते हैं और पश्चिम से पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हुए इराक, ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान को पार करने के बाद भारत के उत्तर पश्चिम भाग में प्रवेश करते हैं। क्योंकि ये पश्चिमी दिशा से आते हैं, इसलिए इन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ये शीत ऋतु में अधिक सक्रिय होते हैं और समस्त उत्तरी भारत के मौसम को प्रभावित करते हैं। जब ये भारत में प्रवेश करते हैं तो अधिविष्ट वाताग्र के रूप में होते हैं। यद्यपि इनका मुख्य प्रभाव क्षेत्र जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही है, तथापि ये कभी कभी बिहार, बंगाल, असम तथा अरुणाचल प्रदेश तक मौसम को प्रभावित करते हैं। इनके आगमन से शीतकाल में पर्वतीय प्रदेश में हिमपात होता है और मैदानी भागों में हल्की वर्षा होती है। दिसंबर से फरवरी तक के 3 महीनों में हिमालय क्षेत्र में लगभग 60 सेमी, पंजाब में 12 सेमी, दिल्ली में 5.3 सेमी तथा उत्तर प्रदेश एवं बिहार में 2.5 से 1.8 सेमी वर्षा हो जाती है। यह वर्षा कम मात्रा में होने के बावजूद भी उत्तरी भारत में रबी की फसलों, विशेषतया गेहूं की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है। पश्चिमी विक्षोभ का जीवन काल 3-4 दिन का होता है। इस अवधि में शीत लहर चलती है और तापमान सामान्य से 5-10 डिग्री से कम हो जाता है। प्रातः व सायं के समय धुंध एवं कोहरा सामान्य सी बात होती है। कई बार 2-3 पश्चिमी विक्षोभ एक दूसरे के पीछे आते हैं और 8-10 दिन तक मौसम को प्रभावित करते रहते हैं।